आज पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में कटनी खेल अधिकारी ने भी एक मैराथन दौड़ का आयोजन कर इस कार्यक्रम की इतिश्री कर दिया। मैराथन हाउसिंग बोर्ड खेल भवन से सीसी ग्राउंड तक का मैराथन क्षेत्र रहा है। पूरे कार्यक्रम में मात्र चंद प्रतिभागी शामिल रहे हैं, जबकि ये आज का कार्यक्रम एक बड़ा आयोजन के तौर पर किया जा रहा है। सिर्फ औपचारिकता कर कार्यक्रम उपरांत वही प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटकर कार्यक्रम का समापन भी हो गया। रिपोर्ट जाहिद हुसैन सिद्दीकी। आप कितने बजे आए थे? सुबह कहाँ से कहाँ तक आप लोग मैराथन हुई है? तो कितने सदस्य रहे होंगे? दरवाजे से कार्य किया गया हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं। नहीं, सूचना कहीं से पहले से भी नहीं थी, ना कोई चूने की लाइन डाली गई क्या कार्यक्रम स्थलों पे पूरे जैसा डाला जाता है? नहीं नहीं, इसका इन्फॉर्मेशन शाम को 5 बजे सूचित किया गया था, तो उस चक्कर में सारे बालक बालिकाओं को, स्पोर्ट्स सेंटरों को, स्कूल को, सबको सूचित किया गया। अब स्कूल के बच्चे इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम उनके चल रहे हैं। अपना शुभ नाम? विजय भार, स्पोर्ट्स ऑफिसर प्रशासन के द्वारा विजय दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आज एक मिनी क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 से अधिक बालक बालिकाओं ने भाग लिया। और यह दौड़ माधवनगर सर्किट हाउस के जस्ट नीचे हमारे ऑफिस से प्रारंभ होकर ACC ग्राउंड में समाप्त हुई। और इसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय बालक और बालिका आए हैं उनको शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कितने बच्चे थे? 70 से अधिक बालक बालिकाएं। 70 थे वो सर। विजय दिवस के उपलक्ष्य 100 बच्चे होने थे। देखिए, हमारे जो स्पोर्ट्स सेंटर हैं और शिक्षा विभाग है, तो हमारे स्पोर्ट्स सेंटर के सभी बालक बालिकाओं ने लगभग इसमें पार्टिसिपेट किया है। और शिक्षा विभाग में चूंकि एग्जाम चल रहा था, इसलिए उनके जो बालक बालिकाएं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। रूट का कोई तय नहीं था पहले से आपका? नहीं, रूट तो तय था हमारा, 2 किलोमीटर के आसपास की रेस थी, हमने वहाँ से चालू किया और यहाँ फिनिश किया, माधवनगर से चालू किया और ACC में क्लोज किया। जैसे शासन के मतलब ये आदेश ही थे कि 100 लोग कम से कम मिनिमम होने चाहिए थे। हमने सभी को सूचित किया था। अब ट्रेंड 8 बजे अपन ने चालू किया, इसलिए 7 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे अपन ने चालू किया। और हमारे स्पोर्ट्स सेंटर के सारे बालिकाओं ने